दोस्तों आज TP-Link का CP510 जो डिवाइस है मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था ये कैसे क्लाइंट एज ए क्लाइंट कॉन्फ़िगर किया जाता है और कैसे एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे क्लाइंट सिस्टम को इंस्टॉल करके। और ये जो हमारा दूरी है ये लगभग हमारा जो एक्सेस पॉइंट है उससे ऑन रोड इसका डिस्टेंस है अराउंड 300 मीटर। और अगर हम बात करें ऑन एयर डिस्टेंस तो ये आपको हम दिखाई देंगे सिस्टम में बैठ के कितना है, 2.3 या 2.5 ऐसे कुछ डिस्टेंस है। तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे क्लाइंट सिस्टम को, तो चलिए आप लाइन वीडियो में बने रहे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो CP+510 यहाँ पे एक डिवाइस है मेरे पास, ये हम इसे एज ए क्लाइंट इंस्टॉल कर रहे हैं। और क्लाइंट इंस्टॉल करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मैं आपको वो सिस्टम डेस्कटॉप में बैठ कर दिखाऊंगा। फिलहाल हम इस डिवाइस को जो हमारा ये आउटसाइड में हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। और इसे करने के लिए कैसे करना पड़ता है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हम यहाँ पर एक ये ऑलरेडी ESD प्रोटेक्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अर्थिन कनेक्ट कर देंगे तो जो लाइटनिंग होता है, क्योंकि हम जिस एरिया में बिलोंग्स करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होता है, और इससे बचाने के लिए डिवाइस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंपनी की तरफ से एक अर्थिन वायर लगाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो हम उसी वायर को वहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और उस वायर को हम सीधा लेके रॉड के सहारे इसे लगा रहे हैं, उसे सीधा माटी में ग्राउंड में हम डाल देंगे इस केबल को, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है लाइटनिंग ताकि हमारा तो इससे प्रोटेक्शन इस डिवाइस को मिल सके। तो आप बने रहे वीडियो में। डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक RJ45 का जो कनेक्टर यहाँ पे पोर्ट दिया गया है, तो हम जो RJ45 कनेक्टर यहाँ पे है और इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद ये देखिए मेरा जो ये अर्थ वायर हो गया और ये हो गया मेरा लैन केबल। अब ये दोनों को हम कहीं ना कहीं इस जो गैप है इसके अंदर से ला के हम इसका जो कवर है हम इसे बंद कर देंगे, ठीक है, ताकि अंदर जो पानी है या तो जो वाटरप्रूफ जो है ये सॉकेट है ये बंद हो सके। और इसी तरह से ये जो मेरा डिवाइस है ये हम केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसे हम इसे पोल में जो मेरा जिसके सहारे आप इसको इंस्टॉल करेंगे खंभे के साथ हम उसमें लगा रहे हैं, ठीक है। इसको लगाने के लिए तो यहाँ पर हम इस खंभे के सहारे हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। हम इसे टाई है मेरे, अगर हवा बारिश या अगर कोई पंछी चिड़िया इसके ऊपर बैठे तो ये डिवाइस हिले ना। और उसके बाद ये दो केबल है हम इसको यहाँ पे हल्का सा हाँ हम इसको भी यहाँ पे ऐसे बांधेंगे। ये देखिए मेरा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है इस खंभे के साथ, इस पोल के साथ। अब हम इस पोल को ऊपर की तरफ उठाएँगे और इसे हम खड़ा कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये जो मेरा जहाँ पे हम क्लाइंट सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं ये मेरा रहा जो घर है ये। और अगर हम घर पहले हम इस डिवाइस को इस खिड़की के अंदर डाले थे और इसका जो सिग्नल है बहुत ही कम हो रहा था, इसके लिए स्पीड मुझे नहीं मिल रहा था। और अब हम इसे घर के बाहर की तरफ जी ये देखिए ये मेरा जो डिवाइस है ये ऊपर की तरफ हो चुका है। बाद ये जो डिवाइस है क्लाइंट सिस्टम आपका जो एक्सेस पॉइंट है उसके तरफ उसका जो जिस ओर है उसी ओर के तरफ इस क्लाइंट सिस्टम को भी आपको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा सिग्नल अच्छा पाने के लिए। तो इसी तरह से मेरा जो क्लाइंट सिस्टम है ये रूम के बाहर एक खंभे के सहारे हमने इंस्टॉल कर चुका है। इसे लाइटनिंग से बचाने के लिए हमने अर्थ वायर इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, और उस वायर को जैसे कि आप देख सकते हैं उस वायर को हमने ये देखिए जो खंभा लगा हुआ है उसके अंदर डाला था नीचे माटी में, और इसी वायर को हम जो केबल ऊपर से आया है जो डिवाइस में कनेक्टेड है हम इस दोनों वायर को कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि जितना हो सके अर्थिन से जो लाइटनिंग इशू है उससे हम अपना डिवाइस को बचा सके। तो इसी तरह से आप अपना जो डिवाइस है क्लाइंट सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे तो इस क्लाइंट सिस्टम में मुझे कितना मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं सिस्टम की तरफ। डिवाइस में लगाए हैं ये अंदर की तरफ, और ये मेरा रहा जो डिवाइस है तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए एक POE है एक लैन है, तो लैन कनेक्टेड है ऑलरेडी जो मेरा लैन जो कंप्यूटर में कनेक्ट होगा। और हम POE में क्या कनेक्ट करेंगे, POE में जो केबल जो बाहर से आया है इस केबल को हम यहाँ POE के साथ कनेक्ट
कर देंगे। इस केबल के सहारे जो मेरा क्लाइंट सिस्टम है उसके पावर मिल जाएगा। ठीक है, आपको दिखाते हैं जो इसका ऑनलाइन इंटरफेस है, आप कैसे इसे क्लाइंट सिस्टम कन्फिगर करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हम कन्फिगर करके रखे थे, हम जस्ट यहाँ पे कनेक्ट किया। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है स्टार्ट हो चुका है। तो आपको हम जस्ट आपको दिखाते हैं मेरा जो इंटरफेस है। तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं डिवाइस के अंदर। आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा आप दे सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम एज ए क्लाइंट सिस्टम इसे कॉन्फ़िगर करके रखे हो, तो इसलिए मेरा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कैसे कनेक्ट करेंगे तो हम आपको एक बार फिर से दिखा देंगे। और मेरा जो लैन स्पीड है देखिए 300 Mbps। आपका जो डिवाइस है अच्छे आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ 300 Mbps परफेक्टली। तो जिन लोगों के बहुत सारे डाउट थे कि आपको कनेक्शन कितना होगा, इसका लैन स्पीड कितना होगा, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप जब देख सकते हैं अभी 270 और 300। तो मेरे हिसाब से जो भी डिवाइस का स्पीड है 300 Mbps वो मुझे मैक्सिमम मिल रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम पूरे। ठीक है, उसके बाद मेरा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड है हम आपको ये भी दिखा देते हैं मुझे कितना स्पीड यहाँ पे। मेरा जो मेन इंटरनेट कनेक्शन है वो है 150 Mbps का। तो हम आपको वो भी चेक करके यहाँ पे दिखा देते हैं स्पीड टेस्ट। इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं 84-85 जो स्पीड है इंटरनेट का, इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिवाइस से। 91-92 उसके बाद अपलोड स्पीड परफेक्टली है। तो मेरे हिसाब से वीडियो को उन आदमी को काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, या तो आपके लिए हेल्पफुल होगा जो आप सोच रहे थे डिवाइस लगाएंगे इसका स्पीड कैसे होगा, कितने डिस्टेंस में है मेरे डिवाइस, कितने कैसे इंस्टॉल करेंगे उनके लिए। ठीक है, तो ये जो स्पीड है आप जैसे कि देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड 92 अपलोड स्पीड 94। मेरा जो मेन बिल्डिंग है वहाँ भी हम अगर टेस्ट करते हैं तो उतना स्पीड मुझे नहीं मिलता है, जो कि मैक्स टू मैक्स मुझे 100 Mbps का मिलता है। तो ये मैं आपको दिखा दिया लाइव स्पीड जो टेस्ट करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरा जो लैन स्पीड है ये रहा, देखिए अब मैं दिखा दूँ ये मेरा डिस्टेंस कितना है। तो ये रहा मेरा डिस्टेंस, देखिए ये 0.242 किलोमीटर। मेरा जो एक्सेस पॉइंट है ये यहाँ से ऑन रोड 300 मीटर, ऑन एयर डिस्टेंस इसका ये है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बार मैं आपको दिखा दूँ इसे आप क्लाइंट सिस्टम कैसे कन्फिगर करेंगे। तो जैसे ही इस इंटरफेस को ओपन करेंगे, आप यहाँ पे क्विक सेटअप यहाँ पे दिया गया है, आप क्विक सेटअप पे क्लिक करेंगे। क्लाइंट यहाँ पे एक्सेस पॉइंट, क्लाइंट रिपीटर, ब्रिज, एपी राउटर, हम क्लाइंट यहाँ पे सिलेक्टेड है क्लाइंट, क्योंकि हम यहाँ पे क्लाइंट को एक्सेस कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो हम क्लाइंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट में। जैसे ही नेक्स्ट में जाएंगे ये मुझे पूछ रहा है आईपी एड्रेस सबनेट मास्क। इस डिवाइस का जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है 0.254 या ऐसे कुछ होता है, अगर आप चाहेंगे तो उसको भी यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे आपके हिसाब से कौन सा सेगमेंट में यूज़ करते हैं जी या 0.1, तो हम यहाँ पे 1. का सेगमेंट में हम यहाँ पे आईपी यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मेरा जो आईपी है हम इसके हिसाब से 1.8 हम इस डिवाइस का आईपी कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, हम इसे चेंज नहीं करेंगे। आप अपने हिसाब से इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट में। जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछ रहा है SSID ऑफ रिमोट AP, मतलब जिस सर्वर के साथ ये कनेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे देखिए एक बार आपके दिखाने के लिए हम यहाँ पे सर्वे में क्लिक कर रहा हूँ। हम जैसे ही सर्वे में क्लिक किए जो मेरा सर्वर है, जो एक्सेस पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट शो कर रहा है। हम इसे कनेक्ट करने के लिए ये जो बॉक्स है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट है, रिफ्रेश है, लॉक AP है। हम यहाँ पे कनेक्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लॉक टू AP एक्सेस पॉइंट, हम इसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे ताकि ये बार बार वो डिवाइस को सर्च ना करे, लॉक टू AP करके। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एक पासवर्ड PSK, हमने यहाँ पे PSK लगा के रखा है पासवर्ड, ताकि दूसरा कोई आदमी इस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाए। तो मेरा जो पासवर्ड है, अगर आप यहाँ पर ओपन भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई यह इसे एक्सेस नहीं करेगा तो, लेकिन हम अपना डिवाइस को पासवर्ड प्रोटेक्ट किए हुए हैं तो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं।
पासवर्ड डाल दिए हैं, यहाँ पे डिस्टेंस शो कर रहा है, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है क्या क्या, ऑपरेशन मोड क्लाइंट आईपी एड्रेस शो कर रहा है, एसएस रिमोट एपी है मेरा सर्वर इंडिया, उसके बाद जाए हम जाएंगे फिनिश। फिनिश में क्लिक करने के बाद ये जो सेटअप है ये हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितने स्पीड में, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, इसका डिस्टेंस, ये मेरा एपी डिजेबल है क्योंकि मेरा ये क्लाइंट सिस्टम है, यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, आपको दिखाए हैं हम इसे क्लाइंट सिस्टम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो क्लाइंट यहाँ पे ये देखिए इनेबल है और एक्सेस पॉइंट डिजेबल है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आप टीपी लिंक सीपी 510 जो डिवाइस है एज ए एक्सेस पॉइंट कैसे कन्फिगर करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसका स्पीड क्या होता है, अगर आपके डिस्टेंस 500 मीटर 400 मीटर आपका जो मेन इंटरनेट है उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन का जो सवाल है इस वीडियो के साथ आपको मिल गया होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए सहायक होगा, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ऐसे, आपके पास ऑलरेडी एक इंटरनेट है और इसे सेम इंटरनेट कनेक्शन को आप घर तक कैसे एक्सटेंड करेंगे या तो दूसरे बिल्डिंग में दूसरे ऑफिस में कैसे एक्सटेंड करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सहारेमंद होगा।